गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एक्चुअली अगर सॉल्यूशन बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, ये हम लोग जानते हैं और बेसिकली हमें दोनों के डेफिनेशन भी पता है कि जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा एंड उसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर है, वो आपके सॉल्यूट के होंगे। ओके, तो बेसिकली हमारे पास थ्री स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब इनमें से हम लोग बना सकते हैं अपना सॉल्यूशन। कैसे, कि हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्वेंट है वो हम लोग सॉलिड रखेंगे, सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड रखेंगे, सॉल्यूट लिक्विड कर देंगे, सॉल्वेंट अगेन सॉलिड रखेंगे और सॉल्यूट गैस कर देंगे। तो फिर जो भी ज़्यादा अमाउंट में है, ओके, सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, वो जो फेज में होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हमें सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे, उसके अंदर सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड ही होना चाहिए। फिर सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड गैस चेंज हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, दैट मीन्स एज अ सॉल्वेंट हमें लिक्विड ही लेना होगा। गैस सॉल्यूशन, तो फिर एज अ सॉल्वेंट हमें गैस ही लेना होगा। ओके, चलो, तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है एज अ सॉल्वेंट सॉलिड, बराबर, और फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट भी, क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट भी ले रहे हैं सॉलिड। तो फिर याद करो जो होमोजीनियस मिक्सचर था जिसके अंदर ब्रॉन्ज हमने लिया था, जिसके अंदर क्या था, वो कॉपर का मिक्सचर था। तो ब्रॉन्ज जो है उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसके अंदर कॉपर है वो कॉपर आपका सॉल्वेंट बन जाएगा एंड जो टीन है SN वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, वो कम अमाउंट में होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी सॉलिड सॉलिड दिया है तो कोई भी हम लोग लेते हैं अलॉय। ओके, दैट मीन्स कोई भी मिक्सचर ऑफ मेटल्स से जो भी बनाया गया होगा मेटल दूसरा नया, उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल स्टील, जर्मन सिल्वर, या तो फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज लिखा है मैंने वो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि सॉल्वेंट सॉलिड है एंड सॉल्यूट लिक्विड है, तो उसके अंदर बेसिकली याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में जो हमें मर्क्यूरी मिलता है Hg, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। एंड जिंक जो है वो आपका सॉलिड है, जिंक सॉलिड है एंड मर्क्यूरी लिक्विड है। अमाउंट ऑफ जिंक हम लोग ज़्यादा रखेंगे, मर्क्यूरी का कम रखेंगे, तो ये जो मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस, जिसको हम एमालगम बोलते हैं। याद रखना सॉलिड एंड लिक्विड मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको एमालगम बोला जाता है। ओके, तो ये एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड है एंड सॉल्यूट लिक्विड है। ओके, चलो लास्ट वन इज सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इज गैस। तो फिर याद करो रिडक्शन रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग लिखते थे पैलेडियम प्लस H2 लिखते थे, पैलेडियम प्लस H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो पैलेडियम जो मेटल है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब होगा, हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा। ओके, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पैलेडियम इज अ मेटल और उसका ज़्यादा अमाउंट है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और हाइड्रोजन इज अ गैस, उसका कम अमाउंट है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम,
वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट गैस होगा। ओके तो बेसिकली हमारा ये टॉपिक जो है सॉलिड सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट हम लोग क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। एज ए सॉल्वेंट हम लोग क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। ओके चलो तो फिर उसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है एंड सॉलिड एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, तो फिर हमने बनाया हुआ है उसका एग्जांपल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। उसके अंदर क्या होगा कि वाटर आपका सॉल्वेंट रहेगा कि जो लिक्विड है, एंड शुगर जो क्या हो जाएगा सॉलिड पार्टिकल होता है जो आपका सॉल्वेंट हो जाए सॉल्यूट हो जाएगा। ओके तो एक बहुत ही सिंपल कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वियस सॉल्यूशन कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मैटर है, जब भी वो डिसॉल्व होता है कोई भी लिक्विड के अंदर और अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट होगा आपका लिक्विड एंड सॉल्यूट होगा सॉलिड। चलो नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड लिक्विड, तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगेन सेम वाटर प्लस इथेनॉल का मिक्सचर हो जाएगा। ये दोनों होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा एंड इथेनॉल आपका सॉल्यूट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैस एज अ सॉल्यूट। सिंपल सोडा वाटर, जिसके अंदर क्या होता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड फिल किया होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सेम वे सोडा वाटर आप पेप्सी थम्स अप मिरिंडा कुछ भी ले सकते हो, वो सारे लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट गैस है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो हमारा है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या लेंगे, गैस लेंगे, बराबर सभी। तो फिर अगर सॉलिड हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट, तो बहुत ही सिंपल जो 11th स्टैंडर्ड में भी आप कर चुके हो, सब्लिमेशन किसका, कैम्फर का। सब्लिमेशन किसका, कैम्फर का। सब्लिमेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेगा। सब्लिमेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, सॉलिड टू गैस। अब क्या होता है कैम्फर, कपूर, याद करो कि जो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा एंड वो क्या होगा आपका गैस सॉल्यूशन, क्योंकि गैस मतलब जो एयर होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा और सॉलिड जो कैम्फर वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट। तो ये सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, गैस सॉल्यूशन का। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं गैस सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट लिक्विड। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है वो लिक्विड है और उसको मिक्स्ड करते हैं N2 गैस के साथ, या तो फिर आप बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बना सकते हो मॉइस्चर। मॉइस्चर के अंदर क्या होगा, एयर वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके सॉल्यूट हो जाएंगे। ओके एंड लास्ट वन इज सॉल्वेंट गैस एंड सॉल्यूट भी गैस, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस, जो एयर में जितने भी गैसेस है, एयर क्या होगा इट इज़ अ गैस सॉल्यूशन एंड उसके अंदर सॉल्वेंट भी गैस है एंड सॉल्यूट भी गैस है। ओके तो बेसिकली आपके तीन टाइप्स हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। याद रखना आपके एग्जाम में MCQ में इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके अब हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, एक्चुअली तो वो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बराबर वो वाला टॉपिक,
वो हम लोग लेने जा रहे हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, बराबर। ये जो टॉपिक है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ओके चलो, तो फिर हम लोग सबसे पहले उसके अंदर देखते हैं मोलारिटी। चलो, मोलारिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। मोलारिटी का सिंबल हो जाएगा कैपिटल एम। मोलारिटी किसे बोलेंगे? याद करो, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल था, बराबर, कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? मोलारिटी बोलेंगे। तो अगर फॉर्मूला लिखना है इसका, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर चाहिए आपको? लीटर के अंदर। ओके, क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके चलो, बेसिकली मोल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मोल आप जानते हो, ये भी आप 11th में पढ़ चुके हो। मोल क्या होता है? मोल इज अ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। ओके चलो, तो अब हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कई बार क्या होता है कि लीटर में नहीं दिया जाता, आपको मिलीलीटर में दिया जाता है, तो आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो आपको इनटू 1000 करना होगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ओके तो मोलारिटी डेफिनेशन समझाया, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला में मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके चलो, अब सेकंड देखते हैं, जो है मोलालिटी। सेकंड देखते हैं मोलालिटी। चलो, मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम, बराबर। डेफिनेशन इसके जैसे ही है, थोड़ा चेंज है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम, पर केजी, ओके, पर केजी ऑफ
सॉल्वेंट, याद रखना ऊपर सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है बराबर, और पर लीटर था, यहाँ पे पर किलोग्राम है। ओके तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके यहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सेम वे फॉर्मूला आप मास का मोल का रख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अंदर मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आज लोग हम लोग सीखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे और उसके एग्जांपल भी उसी के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके तो आज जो आपको सिखाया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और ये मोलारिटी एंड मोलालिटी, फॉर्मूला में कभी भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। याद रखना यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे मास है, किलोग्राम के अंदर लेना है मोलारिटी के अंदर। ठीक है चलो तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे दूसरे टर्म्स देखेंगे। थैंक यू।